big political controversy over the Congress Satyagraha. BJP has targeted Youth Congress President Srinivas BV, accusing him of running away from the police. They've also tweeted out a video that shows him being stopped by a cop and the police attempts to detain him and he runs away. BJP is now using this video to target the Congress party, saying that its party and its leadership always runs away. So it's not just the Congress leaders running away from law, as you are showing purely, but it's also the Gandhi family running away from the law. I mean, what was the need for this high-tension drama that the Congress party showcased today, not only in their headquarters, but also outside of their headquarters, while he should have presented himself in a somber way to the enforcement directorate. So it's Rahul Gandhi also literally running away from the law, trying to create high drama, trying to face safe Congress party. And just imagine, Robert Vadra, Rahul Gandhi and Satyagraha. Do these words even gel together? Robert Vadra and Satyagraha, lo and behold, after all the high-end corruptions that this family has conducted, they are misusing the name of Satyagraha. This is nothing but tactics to pressurize the election, to pressurize the enforcement directorate, to pressurize the legal agencies of the country. And this is nothing but a module to re-operate the Congress party, which is otherwise defunct, and to relaunch Rahul Gandhi from the launch pad of corruption. In fact, we have a reaction coming in from Youth Congress President B.V. Srinivas. Let's listen in. श्रीनिवास बोलिए, आपका वीडियो आ रहा है जो जहाँ पर आप भाग रहे हो, क्या हो गया? नहीं, सुबह कल रात से मेरे पीछे पड़े थे ये पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने। आज सुबह सुबह भी मेरा मूवमेंट हुआ तब पकड़ा। हमारा मकसद था ये एसीसी जाना, हमारा नेता के साथ जाए। हम सारे यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता इकट्ठे होते, तमाम लोग, हजारे लोग, तो हम कैसे इनको पुलिस ने जानबूझ के इसीलिए मेरे पीछे लगाए थे तो इनको पकड़े, इनको पकड़ के ये लोग वो जा रहा है बंद करे, किस तरीके के इन लोग ने बैरिकेड बंद कर दिया था ऐसे, तो इनका काम है पुलिस का ऐसे ही करना। उसको लेके इनका व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी लोग है, ये तो ऐसे ही काम करेगा और असली काम तो कोई एक भी नहीं करता है जी। आपने पुलिस से कुछ बोला नहीं, आप पुलिस का हाथ धक्का मार के आप भाग ही गए? नहीं, मेरे रात से पीछे पड़ा है ना पुलिस, कल रात में भी एस्केप हुआ था ये लोग ने, यूथ कांग्रेस वाले को तो इसीलिए तो बंद करना चाहता था पहले, कोई कार्यकर्ता वहां ना पहुंचे। अभी तो राहुल गांधी का ईडी क्वेश्चनिंग चल रहा है, श्रीनिवास आप कब तक प्रोटेस्ट करोगे? यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने परमिशन भी नहीं दिया है आपको। अभी ये लोग ने लेके आके हम लोग को अंदर रखे, ये देखिए, ये लड़ाई सच और झूठ का लड़ाई है। ये लड़ाई सच और झूठ की लड़ाई है, ये लोग जानबूझ के पूरा देश में जो मैसेज देना चाह रहे हैं, इंस्टीट्यूशन को हाथ में लेके किस तरीके की डेमोक्रेसी को खत्म करने लगा है। हम लोग इनसे डरने वाले थोड़ी है। यहाँ पर जो बीजेपी ने आपका वीडियो लगाया है, बीजेपी ने आपका वीडियो डाला है, बीजेपी बोल रहे है कि कांग्रेस झुकेगी नहीं मगर भाग जाएगी आपकी तरह। सुनिए, ये लोग माफी मांगने वाले इन लोग है वो, मैं इसीलिए मेरे को सुबह से कल रात से मेरे पीछे पड़े थे पुलिस। तो यूथ कांग्रेस हम लोग ने राहुल जी के साथ जाने का था, मैं जाया, बाद में इन लोग ने किस तरीके की पुलिस ने मेरे साथ धक्का मुक्की किया, फिर बाद में मेरे को अरेस्ट किया। मैं अभी इधर मंदिर मार्ग के थाने में हूँ। आप थाने में हो? हाँ, थाने में हूँ, मंदिर मार्ग के थाने। क्या वो आपको जाने दे रहे हैं? कहाँ से जाने देगा, डरता है ना ये लोग यूथ कांग्रेस। ये आप क्या कहना चाहते हो देख के, राहुल गांधी इनोसेंट है? देखिए, राहुल गांधी जी एक सच्चा नेता है, देश का हमेशा लड़ाई लड़ता है, सबका आवाज उठाता है, ये लोग बर्दाश्त नहीं करते। ये सरकार इतने पुलिस लगा है ना मेरे को पकड़ने को, और यहाँ उतने पुलिस वहाँ ले लद्दाख में डालते थे। शायद चीनी लोग अंदर नहीं आता था, इतना पुलिस जम्मू कश्मीर में लगा देते, वहाँ किसी का हत्या नहीं होता था। मगर आपने भी अरुणाचल में लगा देते। जी श्रीनिवास, आप लोग शायद नहीं घुसते थे अंदर।
इतने सारे श्रीनिवास इतने सारे कांड हो रहे हैं देश में, ये राहुल गांधी के लिए आपने इतना फोर्स और फौज लगा दिया इनके पीछे, ये भी ईडी समन्स है, करप्शन एलिगेशन है, अगर कुछ गिल्टी नहीं है तो होने दो प्रोब, क्यों इतना हल्ला-गुल्ला मचा रहे हो? हमने शांति तरीके से जा रहा था, कोई शांति कहाँ था? कांग्रेस ने इतना बैरिकेड्स क्रॉस किया, स्लोगनिंग किया, शांति तो नहीं था? सुनिए, पुलिस ने ये सारे चीज किया है, पुलिस ने ये प्रोपेगेंडा बनाया।